स हमने डिस्कस करने हैं एबडेमिन के स्प्लेन पैंक्रियाज एंड लिवर और अलग अलग वीडियो बनाऊंगा इन अलग अलग ऑर्गन के लिए टूडेज टॉपिक इज दी ऑफ स्प्लेन ठीक है सो तो स्प्लेन स्टार्ट करते हैं फॉरन इट इज प्राइमरि अ लिम्फेरिक ऑर्गन सो स्प्लीन जो है प्राइमरि इट्स अ लिफेरिक ऑर्गन कनेक्टेड टू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फिजियोलॉजी में भी इसकी इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे एनेडमी वाइज आज जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है कि इसकी लोकेशन क्या है कहाँ मौजूद होती है स्प्लीन साइज वगैरह क्या है और कौन सी आर्टरीज सप्लाई करती हैं लिम्फैरिक ड्रेनेज वेनस ड्रेनेज आइए स्टार्ट करते हैं इट एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर ब्लड and plays an important role in immune response of the body. So, अगर बहुत ही simplified words में बात की जाए, so basically spleen में से जब blood गुजरता है, तो it actually kind of filters the blood. और uh, immune response, antibodies बनाना हमारी body में spleen is the main 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 organ, okay? Um, इस्प्न की जो लोकेशन है दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर बिकॉज ये एग्जाम में भी पूछी जाती है और आपको इसकी लोकेशन इसलिए भी पता होनी चाहिए कि वेन एवर देयर इज स्प्लिन ओम गैली विच इज़ अ वेरी कॉमन क्लिनिकल कंडीशन इनकाउंटर्ड तो आपको पता हो कि एक्चुअली स्प्लिन पलपेट कहाँ करनी है नॉर्मल स्प्लीन कैसी होती है जो कि एक्चुअली पैल्पेबल ही नहीं होती तो जब कभी बेसिकली स्प्लीन पैल्पेबल है यानी आपको एबडेमिन के एग्जामिनेशन में अपने हैंड से यू कैन पैल्पेट द स्प्लीन दैट एक्चुअली मीन्स स्प्लिन ओ मेगैली हो चुकी है ठीक है सो इसकी लोकेशन पता होगी तभी आप उसको पैल्पेट करेंगे स्प्लीन इज अ शेप्ड ऑर्गन लाइंग मेनली इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम ये मैंने आपको रीजन पढ़ाए थे के स्टार्ट की वीडियोस में अगर इस प्लेलिस्ट को आप शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि देर आर नाइन रीजन ऑफ द एपजेमिन उसमें ये जो अपर राइट और अपर लेफ्ट रीजन है इसको हम नाम देते हैं हाइपोकॉन्ड्रियम ठीक है सो दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड सो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्प्लीन मौजूद होती है But it also um, has some of its um, you know presence in the epigastrium. This is the epigastric region, this numlikeal region, okay? The regions so mostly it is present in the left hypochondrium, and some part of the spleen is also present in epigastrium, okay? So that's the uh, diagrammatic representation of all of this paragraph. Now, uh, spleen is a soft, highly vascular, actually dark purple in color organ. The size and weight of the spleen, एवरेज अब ये इंटरेस्टिंग है अगर आपको ऑर्ड नंबर्स याद हैं तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी एक्चुअली स्प्लिन थिक कितनी है ब्रॉड कितनी है लॉन्ग कितनी है वेट कितना है और किन रेब्स um, की यू नो अक्रॉस स्प्लीन स्प्रेड आउट होती है सो so, मैं ये क्यों कह रहा हूं ऑर्ड नंबर क्योंकि ऑर्ड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन दैन द नेक्स्ट ऑर्ड नंबर इज थ्रीन दंबर इज 5, then the next odd number is 7, and then the next odd number is 9, uh, and the next odd number is 11. Okay, now you sequence yaad hai, actually yaad ki hai, yaad hai, 1 indicates thickness of, uh, so this is thickness basically of a spleen. 3 inches indicates how broad it is, 5 inches indicate what is the weight, so it's um, roughly around um 5 inches long i'm sorry and 7 actually indicates the weight of the kidney in ounces and 9th to 11th is the position of the rib so thickness of the spleen then breadth of the spleen then length of the spleen then weight in ounces and these are the ribs say spleen okay so Uh, ये सारे नंबर्स आपको ये एग्जाम में पूछते भी हैं यार अक्सर इसीलिए चूंकि ये बहुत कॉमन है ना वन थ्री फाइव सेवन नाइन ईजी भी है तो एग्जामिनर पूछते हैं कि लेंथ कितनी है ब्रेथ कितनी है की कॉमनली लास्ट थिंग एंड नॉर्मली द स्प्लीन इज नॉट पेल्पेबल ठीक है यानी अगर किसी बंदे को आप लेटा दें और उसके एपडामिन की एग्जामिनेशन करें तो नॉर्मली स्प्लीन पेल्पेबल नहीं होता स्प्लिन सिर्फ उस वक्त पेल्पेबल होता है जब इट हैज ऑलरेडी इन लार्ज और एक्चुअली जब आप स्प्लीन फील करना शुरू कर देते हैं एबडामिनल एग्जामिनेशन पर तो इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि स्प्लीन ऑलरेडी ट्वाइस द साइज स्प्लीनो में गैली हो चुकी है ओके? नाउ द पोजिशन स्प्लीन लाइज ऑब्लिकली अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टेंथ रेब

जो मीडियल साइड uh, पे पार्ट है वो पोस्टीरियर एंगल पे होता है और जो लेटरल साइड पे है ये थोड़ा सा एंटीरियरली प्लेस्ड होता है ठीक है so, सो इस हिसाब से अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल फीचर्स हम देखें स्प्लीन के सो आर टू एंड्स थ्री बॉर्डर्स टू सरफेस टू एंगल्स इन द हाइलम ओके इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं हाइलम ऑब्वियसली लाइक अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो जो ऑर्गन जिन जिनमें हाइलम होता है तो हाइलम बेसिकली वो जगह होती है जहां से ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं और ब्लड वेसल्स एग्जिट करती हैं सो इज द पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन

जो लेटरल साइड है वो प्लेस्ड होगा थोड़ा सा एंटीरियरली और जो पोस्टीरियर साइड है वो मीडियली प्लेस होगा ठीक है तो ये एंटीरियर इज ऑल्सो द लेटरल एंड पोस्टीरियर इज ऑल्सो कॉल्ड द मीडियल एंड विच इज़ अ लिटिल राउंडेड और जो एंटीरियर एंड है आप देख रहे हैं इट इज एक्सपेंडेड सो इसका जो ब्रथ uh, सिस्टम है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द पोस्टीरियर एंड ठीक है तो uh, और ये मिड एक्सिलरी लाइन तक जाता है सो so, uh, इफ़ दिस द पर्सन स्टैंडिंग और ये उसका एग्जिला सो दिस इज द मिड एग्जिलरी लाइन जहाँ तक एंटीरियर एंड एक्चुअली एक्सटेंड करता है और जो पोस्टीरियर एंड है इट इज़ इन कनेक्शन विद द अपर पोर्ट ऑफ द लेफ्ट किडनी सो ये किडनी के साथ इसका कनेक्शन होता है ठीक है सो दैट सॉर्ट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एंड के हिसाब से दो एंड हैं एंटीरियर एंड ऑफ स्प्लेन एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ स्प्लेन एंटीरियर एंड कहाँ तक आता है मिड एग्जिलरी लाइन तक और पोस्टीरियर एंड जो मीडियल साइड पर है वो लेफ्ट किडनी के साथ in relationship Hota okay now the borders kidney borders in jana there are three borders in total the three borders are superior border inferior border and intermediate border okay? so there is a superior border there is obviously an inferior border and an ill-defined intermediate border so सर्फेसिस की अगर बात करें सर्फेस अगेन दे आर टू सर्फेसिज वन इज़ टूवर्स द डायफ्राम एंड द अदर वन इज टूवर्ड्स द विसरा जो विसरल सर्फेस है उसके एक्चुअली तीन इंपॉर्टेंट कनेक्शन हैं स्प्लीन एक तो यहाँ पे ऊपर ऐसे डायफ्राम होगा सो जो डायफ्रेगमेटिक सर्फेस है ये तो कॉन्वेक्स है लेकिन जो विसरा हैं तीन विस, तीन चार विसरा इंपॉर्टेंट है जिसके साथ स्प्लीन का कनेक्शन है फॉर एग्जाम्पल एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो इसका पोस्टीरियर एंड है वो किडनी के साथ कनेक्टेड है तो एक विसरल इंपॉर्टेंट कनेक्शन किस चीज़ के साथ हो गया किस विसरा के साथ हो गया किडनी के साथ फिर इट इज़ आल्सो इन रिलेशन टू द स्टमक सो ये स्टमक के साथ भी होता है एंड आल्सो इन रिलेशन टू द कलॉन ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट कनेक्शन हैं एक्चुअली होता ही है कि ये जो स्प्लीन है अगर मैं आपको कोई डायग्राम दिखाऊँ सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम ये है पूरा स्प्लीन सो so, ये वाला जो सरफेस है जो डायफ्राम की तरफ है दिस इज कॉल्ड द डायफ्रामेरिक सरफेस एक इसका सरफेस होगा जो स्टमक के साथ होगा एक्चुअली अगर मैं इसको उल्टा करके देखू ना तो यहां पे बाकायदा स्टमक का इंप्रेशन नजर आता है मुझे सो इट्स अ कॉन्केव एरिया ऑफ स्प्लीन सो एक स्टमक के साथ रिलेशनशिप है और एक कॉलोन के साथ रिलेशनशिप है अभी दिखा भी देता हूं यार ये वाली डायग्राम एक थी दिस डायग्राम सो इसमें बेसिकली क्या किया हुआ है कि स्प्लीन को उल्टा करके अंदर की तरफ से देख रहे हैं तो यहां पर एक गैस्ट्रिक इंप्रेशन है ये स्टमक के साथ रिलेशनशिप में होगा एक रीनल इंप्रेशन है

एंड देर इज अ पोस्टेर बेजल एंगल दोनों एंगल बेज के साथ बनते हैं एक एंटीरियर साइड पे और एक पोस्टेरियर साइड पर ठीक है एंटेबेजल एंगल एंड पोस्टेर एंगल द एंटेजल एंगल इज द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर विद द लेटरल और द एंटीरियर एंड यानी अगर आप इस डायग्राम को देखें स्प्रीन की दिस पर्टिकुलर डायग्राम यहां पर आप देखें दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर और ये इसका एंटीरियर एंड है या लेटरल एंड है तो यहां जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड एंटेरोजल एंगल ठीक है वैन एवर द स्प्लीन इन लार्जेस्ट जब स्प्लीन बड़ी होती है तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली टू बी फेल्ट सबसे पहले यही फील होता है पार्ट ठीक है एंड देयर फॉर इट इज कॉल्ड क्लिनिकल एंगल ऑफ द स्प्लीन क्लिनिकल एंगल ऑफ द स्प्लीन बिकॉज इन लार्जमेंट में दिस इज द फर्स्ट थिंग विच गेट्स इन लार्ज एंड यू स्टार्ट फीलिंग इट ऑन एग्जामिनेशन पोस्टीरो पोस्टीरोजल जो है जंक्शन बिटवीन द इनफीरियर बॉर्डर द द लेटरल ऑन विद्र सो दिस इज द इन्फीरियर बॉर्डर और ये इसका एंटीरियर या लेटरल पार्ट है तो यहां पे जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड पोस्टीरो पोस्टेरोजल एंगल ठीक हो गया तो ये दोनों एंगल समझ लिए सारी चीजें हाइलम का फंडा सिंपल है यार. हर जगा, वो जगह है सो फॉर एग्जाम्पल यहां वैसेल एंटर हो रही है सो दिस पार्ट इज नोन हाइलम हाइलम हर ऑर्गन में वो पॉइंट होता है जहां पे ब्लड वैसल्स एंटर और एग्जिट करती हैं सो सिंपल टू स्टडी ओके हाइलम रिलेशनशिप्स नया स्प्लिन के जो रिलेशनशिप्स हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनेडमी में तो पूछते ही जाहिर है कुछ इसके रिलेशनशिप्स हैं जिसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल रिलेशन पेरिटोनियल रिलेशन का मतलब ये है कि किस तरह इस्पिल कवर होती है बाय द पेरीटोनियम कौन से लिगमेंट्स हैं तो वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पढ़ते हैं स्प्लीन इज सराउंडेड बाई पेरिटोनियम एंड इज सस्पेंडेड बाई दिगमेंट्स के नाम ही आपको बता देंगे एक्चुअली कि क्या उसमें कहानी है फॉर एग्जाम्पल पहला लिगमेंट है जिसका नाम है गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगमेंट यानी यह होता है बिटवीन स्प्लीन एंड स्टमक ठीक है ना दूसरा हैिगमेंट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्प्लीन एंड किडनी अब जरा ये डायग्राम देखो ये डायग्राम कई दफा पहले भी हमने डिस्कस किए हैं दैट फॉर एग्जांपल इज द ग्रेटर सैक और ये जो पिंक वाला है ये पेरिटोनियल लेयर्स हैं और इन पेरिटोनियल लेयर्स के बीच में जो ये गैप बन रहा है दिस इज द लेसर सैक लेकिन एनीवेज इस वक्त हम पेरिटोनियम देख रहे हैं सो तो ये स्प्लीन है और स्प्लीन को पूरा कवर किया हुआ है पेरिटोनियल कवरिंग ने इनफैक्ट ये जो पेरीटोनियल लेयर्स हैं ये स्प्लिन को कनेक्ट कर रही हैं स्टमक के साथ इस पॉइंट पर इस लिगामेंट को नाम दिया जाता है गैस्ट्रो लिगामेंट गैस्ट्रो क्योंकि स्टमक है एक तरफ स्प्लिनिक क्योंकि स्प्लीन है और ये वाला जो लिगामेंट बन रहा है पेरिटोनियल कवरिंग का इसको नाम देते हैं लीनो रीनियल क्योंकि ये स्प्लीन लिनियो और रीनल यानी किडनी के दरमियान है ठीक है तो ये दो आपको लिगामेंट्स याद रखने हैं इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो गैस्ट्रो गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट है इसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स होती हैं फ्रॉम द सीलिक ट्रंक और सिंपैथेटिक नर्व्स भी होती हैं तो सर्जरी अगर हो रही है किसी वजह से स्प्लीन एक्टिमी करनी है और स्प्लीन की सर्जरी हो रही है ये लिगामेंट अगर आप काट देंगे तो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स ब्लीडर होंगे ठीक है ब्लीडो ब्लीडिंग होगी इसलिए आपको अनाटमी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर लिगामेंट के अंदर कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं ठीक है फिर एक तीसरा लिगामेंट है इनफैक्ट uh, uh, ये तो मैंने आपको बता दिया कि गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट में क्या है ये बात नहीं डिस्कस की हमने कि लीनो रीनल लिगामेंट में क्या होता है इसमें एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है विच इज द टेल ऑफ द पैंक्रियाज स्प्लेनिक वेसल्स भी होती हैं लिम्फ नोड्स भी हैं लिम्फैटिक्स भी हैं सिंपैथेटिक नर्व्स भी हैं लेकिन टेल ऑफ द पैंक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि देखो बात यह है कि अगर सर्जरी में आपने गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट डैमेज किया यानी ये वाला लिगामेंट तो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स ब्लीड करेंगी लेकिन अगर आपने सर्जरी में ये वाला लिगामेंट डैमेज किया तो इसमें टेल ऑफ पैंक्रियाज है अच्छा टेल ऑफ पैंक्रियाज की कहानी है कि दर इज हेड ऑफ पैंक्रियाज और फिर बॉडी और फिर ये जो टेल है पैंक्रियाज की ना तेल में बहुत सारे बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं तो अगर ये उड़ा दिया आपने कट कर दिया गलती से सर्जरी के दौरान तो वो सारे बीटा सेल्स उड़ जाएंगे पेशेंट की इंसुलिन कम हो जाएगी डायबिटीज़ हो सकती है तो पता चले कि स्प्लिन के ऑपरेशन कराने गए थे और ऑपरेशन के बाद डायबिटीज हो गई उस पेशेंट को रीजन ये है ठीक है सो so आपको ये एनाटॉमी पता होगी तब आप उसको क्लिनिकली डिपेक्ट uh, कर सकेंगे या क्लीनिकली उसको आप बता सकेंगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है एनाटॉमी नहीं पता होगी तो होगी छुट्टी कहानी खराब हो जाएगी अच्छा फिर एक लिगामेंट है जिसका नाम है फ्रेनिको कॉलिक अब इसको कहते हैं को कहते हैं किसको? को, तो ये और कॉलोन के सो इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू स्प्लीन बट एनीस इट सप्लाइज स्टेबिलिटी टू द स्प्लीन क्योंकि ये इस जगह पर होता है ना यहाँ पे कॉलोन और ऊपर डायफ्राम होगा तो उसके बीच में ये है इसीलिए पार्ट को स्टेबिलिटी देता ओके okay? तो थे सारे पेरिटोनियल रिलेशन तीन लिगामेंट्स हैं इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिनो रिनल एंड फ्रेनिको तीनों की डिटेल्स मैंने आपको बता दी अब बात करते हैं विसरल रिलेशनशिप्स ऑफ स्प्लीन यानी कौन कौन से विसरा हैं जिसके साथ स्प्लीन का रिलेशन है और ये बात हम काइंड kind ऑफ of कर चुके हैं देर इज अ गैस्ट्रिक इंप्रेशन स्टमक के ऊपर होता है एक पार्ट स्प्लीन का रीनल इंप्रेशन पोस्टर पार्ट जो है वो लेफ्ट अपर पोल ऑफ किडनी को टच करता है एंड देर इज अ कॉलिक इंप्रेशन कॉलिक इंप्रेशन जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोलॉन ठीक है ऑल्सो पैंक्रियाज इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ए स्प्लीन सो पैंक्रियाडिक इंप्रेशन हाइलम की बात हमने कर ली इट इज द पार्ट जहां से स्ट्रक्चर्स आते और जाते हैं इस डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है स्प्लीन इज देयर सो दैट्स द स्प्लीन स्प्लिक सरफेस यहाँ पे कॉलोन के साथ टच हो रहा है सो दिस एरिया विल बी कॉलोनिक इंप्रेशन ठीक है यहाँ कहीं स्टमक होगा तो देर विल बी गैस्ट्रिक इंप्रेशन और पीछे किडनी होगा अपर पोल तो पीछे रीनल uh, इंप्रेशन होगा सो so ये कॉन्सेप्ट से पढ़नी है चीज तब बात समझ में आएगी जो डेफरमेरिक सर्फेस है वो बिल्कुल कॉन्वैक्स uh, है और यूजली प्लेन होती है उसमें कोई इम्प्रेशन नहीं होते ओके नया okay? और ये मैंने रिब्स तो आपको ऑलरेडी बता दी कि कौन सी रिब्स होती हैं नाइन टेन नौं और तो अगर आप ये डायग्राम को देखो, if you look at this diagram, यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि दिस इज़ द नाइन्थ रिप, ऑलमोस्ट इस लेवल पे देखें स्प्लिन शुरू हो रही है और इलेवेंथ रिप तक स्प्लिन चल रही है, सो नाइन्थ, टेंथ एंड इलेवेंथ रिप, ओके? Okay? Now कौन कौन सी ब्लड वेसल सप्लाई करती है स्प्लिन को मेजर 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 स्प्लिनिक आर्टरी जो स्प्लिन को सप्लाई करती है इट इस ब्रांच ऑफ द सीलिय ट्रंक पढ़ा है ना ट्रंक सो so, उसमें से जो ट्रंक है उसमें से स्प्लिनिक आर्टरी निकलती है एंड दैट सप्लाई स्प्लेन ओके द आर्टरी एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ अलाव ब्ला इट पासिस थ्रू द लीनो ये इंपॉर्टेंट है इट पासिस थ्रू द लीनो रीनल लिगेमेंट टू द रीच द हाइलम वेयर इट डिवाइड्स इन टू फाइव और मोर ब्रांचिज दीज ब्रांचेज एंटर द स्प्लीन टू सप्लाई अच्छा अब स्प्लीन की जो ब्लड सप्लाई है उसमें बेसिकली काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं सिंपल कहानी यह है बाज़ लोग ये मानते हैं कि स्प्लिन का एंटर होती है वो फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड होती है वह ब्रांचेज फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड होती हैं फिर कैपलरीज और साइनसॉइड्स बनते हैं और पूरा स्प्लिन काइंड ऑफ ब्लड में बहरा होता है और फिर वेनस साइनसॉइड्स और वेंस के जरिए वो ब्लड वापस आ जाता है ठीक है विद इन द स्प्लिन डिड रेपिडली टू फॉर्म द सक्सेसफुल स्ट्रेट वेसल्स कॉल पेनिसाला है विच फर्दर डिवाइड इन टू एल्पसोइड्स एंड आर्टीरियल कैपलरीज

Capillaries end by opening into red pulp, where the blood enters into sinusoids. साइनोसोइड्स तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ओपन ke के अकॉर्डिंग क्लोज वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता बल्कि ये आर्टरी आई स्प्लिनिक आर्टरी, उसमें से बहुत सारी ब्रांचेज निकली और उन ब्रांचेज से ब्लड फिर ऐसे कैविटी में फैला और यहाँ से वेनस साइनोसोइड ने कलेक्ट कर लिया वेन में जबकि क्लोज सिस्टम यह कहता है कि पूरे का पूरा ब्लड फ्लो जो है वो वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स में से गुजर रहा है लेकिन ओपन थ्योरी ये कहती है कि ऐसा नहीं है बाज लोग मानते हैं कि देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कुछ ब्लड ऐसे बाहर निकल जाता है sinusoidal spaces में आउट ऑफ द कैपलरीज और कुछ लोग कहते हैं कि थ्रू आउट दी सर्कुलेशन वो वैसल्स में ही रहता है कुछ कहते हैं कुछ एरियाज में ओपन सिस्टम होता है कुछ एरिया में क्लोज सिस्टम सो दैट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट ओके मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं आपको थोड़ी देर में हिस्टोलॉजी बताऊंगा आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रेड पल्प होता क्या है ओके सो विल डिस्कस दिस इन अ मिनट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड सप्लाई द स्प्लीन इज सेट टू हैव सुपीरियर एंड 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 इनफीरियर एंड विच आर वैस्कुलर और उसके बीच में एक

नस ड्रेनेज इज इंटू द स्प्लिनिक वेन और जो स्प्लिनिक वेन है ये स्प्लिन sp है स्प्लिन से जो वेन निकल रही है दैट इज स्प्लिनिक वेन इट ज्वाइंस द सुपीरियर मिजेंट्रेक एंड फॉर्म्स ऑफ पोर्टल वेन ये बात हमने तब भी की थी जब हम पोर्टल वेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं

इसी तरह फेगोसाइटोसिस एंटीजेंस बैक्टीरियल सेल्स फ्री एंटीजेंस वो भी जो बेसिकली so जो स्प्लीन है स्प्लीन के अंदर ये खतरनाक किस्म का मैक्रोफेज बैठा हुआ है एक तो ये खा जाएगा ओल्ड रेड ब्लड सेल को फिर ये एंटीजेंस को खा जाएगा सो दैट्स काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसमें फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है फिर हेमोपॉइसिस का मतलब है ब्लड सेल्स का बनना एक्चुअली फीटल लाइफ में तो स्प्लीन में ब्लड uh, सेल्स बनते हैं बट फिर लेटर ऑन लिम्फ सेल्स तो बनते हैं लिम्पोपसिस होती है लेकिन हिमोपॉइसिस में

एंटीबॉडी बनने के बारे में पूछा जाए ना बॉडी में वो कौन सी जगह है जहां पे एंटीबॉडी थोक के हिसाब से बनती है भर भर के बनती है तो वो जगह कौन सी है स्प्लीन ओके इट इज आल्सो अ बैग विच इज फुल ऑफ रेड ब्लड सेल्स एज वेल एज प्लेटलेट्स सो इट्स ए स्टोर हाउस फॉर रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आल्सो ओके सो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको स्प्लीन के याद रखने हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा इस डायग्राम में एक और चीज़ रह गई थी ये तो मैंने आपको बता दिया ये जो स्प्लेनिक वेन है वो सुपरियर मिजेंड्रिक वेन के साथ मिलके पोर्टल वेन बनाती है लेकिन जो बात बताना रह गई बट आई एम नो कि मेरे स्टूडेंट्स इतने होशियार हैं वो ये चीज़ समझ लेंगे कि स्प्लेनिक वेन की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं इसमें लेफ्ट गैस्ट्रो एप्लोइ वेन ड्रेन करती है इसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन करती हैं और इसमें इनफीरियर मिजेंट्रिक भी ड्रेन करती है सो तो अगर कोई आपसे पूछे कि आर डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ तो ये तीन नाम आपने जरूर बताने ओके अब जो क्लिनिकल क्लिनिकलडमी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि उससे पहले मैं थोड़ा आपको हिस्टोलॉजी ऑल्डो मैं हिस्टोलॉजी अलग से पढ़ा रहा हूँ इंद्रबीर सिंह से लेकिन कुछ बेसिक बेसिक बातें ना यहां इस डायग्राम में आपको दिखाता हूं कि ये डायग्राम है जो आपको याद रखनी है कि स्प्लीन में ये दो वर्ड्स हमेशा यूज होते हैं एक कहलाता है वाइट पल्प और दूसरा कहलाता है रेड पल्प देखो बॉस वाइट पल्प वो एरिया है कि एक आर्ट्रियॉल होगी दिस इज दर्ट्रियाल उस आर्ट्रियाल के इर्द गिर्द बहुत सारे लिम्फ सेल्स अरेंज होंगे तो इस पूरे अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाता है व्हाइट पल्प पूरे स्प्लीन में जगह जगह ये वाइट पल्प है ये वाइट पल्प है सो वाइट पल्प के बहुत सारे रीजन होंगे इस व्हाइट पल्प के बाहर जो सारा रेड ब्लड सेल से भरा हुआ एरिया है उसे हम नाम देते हैं रेड पल्प सो ये बेसिकली ऐसे एक दरिया है जो कि रेड पल्प से बना हुआ है और उसमें छोटी छोटी सी किश्तियाँ गुल गुल चल रही हैं जिसको हम व्हाइट पल्प कहते हैं ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट आपको मुझे देना था हिस्टोलॉजी में और अगर ये आपको समझ में आ गया वाइट पल्प और रेड पल्प तो इसके आगे की जो हिस्टोलॉजी है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम हिस्टोलॉजी के लेक्चर्स कर रहे होंगे इंद्रवीर सिंह से बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इन्होंने मजाक मस्ती में हल्की फुल्की सी डेवलपमेंट बता दी है कि हाउ डज स्प्लीन डेवलप बॉस ये भी मैं लैंगमेन से आपको पढ़ाऊंगा एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर्स में ठीक है अब क्लिनिकल पोल्स की बात करते हैं पल्पेशन ऑफ स्प्लीन नॉर्मल स्प्लीन इज नॉट पल्पेबल बात मैंने कई दफा की एंड ए लार्ज स्प्लीन कैन बी फेल्ट अंडर द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इट एक्चुअली मूव टूवर्ड्स द राइट एलियोसा यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है देखें सो दिस इज द राइट कोस्टल मार्जिन दिस इज द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन थोड़ा सा अगर इसमें बाहर स्प्लीन आप फील कर सकते हो तो माइल्ड एन लार्जमेंट

A splenic rupture, it can be punctured, uh, not the rupture, the puncture first. It can be punctured through left ninth or tenth intercostal space using a lumbar puncture needle. Okay? Anyways, infarction of spleen. द स्मॉलर ब्रांचेज ऑफ स्प्लिनिक आर्टरी आर एंड आर्टरीज अब ये एक आपको बात समझनी है और ईजी टू अंडरस्टैंड है कि जो ब्लड सप्लाई है स्प्लिन की उसमें से काफी सारी ब्रांचेज एंड आर्टरीज हैं यानी उसमें कोई कोलेट्रल सर्कुलेशन नहीं है तो अगर वो किसी भी एम्बोलस की वजह से ब्लॉक हो गई तो उस पर्टिकुलर एरिया की इन्फार्क्शन हो जाएगी सपोज दिस इज स्प्लिन और इसको एक ब्रांच सपोज ये सप्लाई कर रही है दूसरी ब्रांच ये सप्लाई कर रही है और इस ब्रांच के सप्लाई का ये सारा एरिया है और अगर इसमें एम्बुलेंस आ गया तो ये सारा एरिया इन्फार्टेड हो जाएगा दूसरी

डेंजर ऑफ ट्रामा टू नाइन टेंथ इलेवन अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या बॉक्सिंग में यहाँ लगा दिया तो याद रहे लेफ्ट साइड में रिब्स के नीचे क्या मौजूद है स्प्लीन ओके इंपॉर्टेंट है आखिरी दो तीन पॉइंट इफ देर इज ए स्मॉल टीयर इन द स्प्लीन इट कैन बी फ्यूचर

रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से पार्शल डैमेज हुआ है स्प्लीन को ओके okay? और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि चूंकि सेगमेंटल ब्लड सप्लाई है तो अगर आप इस पूरे पार्ट को निकाल देंगे तो इसकी ब्लड वेसल भी निकल जाएगी बाकी की अफेक्टेड नहीं होगी एंड इट विल बी फाइन ओके आफ्टर स्प्लिन ये सुना स्प्लीन कैन बी कट इन टू स्मॉल पीसेज एंड दीज स्मॉल पीसेज कैन बी इम्प्लांटेड विद इन द ग्रेटर ओमेंटम बिकॉज ऑफ द वैसकुलराइजेशन स्प्लिन सरवाइव एंड डज इट्स फंक्शन प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज ब्यूटिफुल वे यानी किसी वजह से अगर आपको स्प्लिन निकालनी पड़ रही है तो उसके छोटे छोटे पीसिस करके ग्रेटर ओमेंटम के अंदर सूचर कर दीजिए ताकि उसमें एंटीबॉडीज जो बनने का प्रोसेस है वो होता रहे जहर फेगोसाइटोसिज और ये सारे प्रोसेस उस तरह से नहीं होंगे लेकिन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती रहेंगी ओके okay? बैंटिस डिजीज इज अ क्रॉनिक कंजेटिव इन लार्जमेंट ऑफ स्पीन रिजल्ट इन प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी अगर स्पीन ओवर एक्टिव हो जाएगी प्रीमेचरली आरबीसी को डैमेज वर्णा रूटीन में आरबीसी जब 120 दिन के हो जाते हैं तो उनको फेगोसाइटोस किया जाता है स्प्लीन में लेकिन अब स्प्लीन हो गई हाइपर फंक्शनल वाह 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 मैं खाने के लिए तैयार हूं तो अभी 120 दिन के हुए भी नहीं बेचारे 90 डेज के हुए हैं और उनको फेगोसाइटोज कर लिया जाएगा दैट्स दैट्स वी कॉल द डिजीज ओके सो बेसिकली ऑल अबाउट स्प्लीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योर